तो जीएस पेपर 3 की बात कर रहे थे हम। सो यहाँ पे डिफेंस प्रोजेक्ट वाला क्वेश्चन कर लिया था, दम ये वाला कर लिया था। मतलब इसके मेजर्स बताए थे कि भाई वॉर एक कोई ऐसी संधि होनी चाहिए कि हमें स्पेस वॉर में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। एंड मतलब रूल्स ऐसे लाने चाहिए कि हमें ई पॉल्यूशन पे कम करना है, तो इस तरह की कुछ चीज़ें बता दी थी। तो लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा आंसर नहीं था ये, तो बिलो एवरेज मैं इसको मानूंगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मेरे सारे छोटे वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट हो चुके हैं। तो अगर एक क्वेश्चन को छोड़ दें इसको, बाकी सारे क्वेश्चन मेरे अच्छे अटेम्प्ट हुए इस वाले उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये सी नंबर का पार्ट है तो एवरेज मार्किंग होगी तो 50 तक मिल जानी चाहिए इस वाले सेक्शन से, ठीक है। अब बड़े में जो बच रहा था, ये बच रहा था, इसके बाद मैं इस पे आई। तो स्किल डेवलपमेंट की भूमिका क्या होती है वो ये बता दिया कि भाई स्किल डेवलपमेंट क्यों रोल क्या ज़रूरी होता है इकोनॉमी में, मतलब आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन, अरे फाइनेंटिव डेमोग्राफ बट क्या होगा भाई, मतलब आपका कोई भी गवर्नमेंट होगी वो उसका कोई स्किल डेवलपमेंट मिशन होगा तो क्या होगा उसमें, लोकलाइज चीज़ों को लोगों को ट्रेन करना होगा, फीमेल एम्पावरमेंट होगा, ODOP का हिस्सा मतलब से रिलेट कर दिया, ठीक है। जो मार्जिनल सेक्शन है उनको लाना होगा, उनकी मतलब एक्सेसिबिलिटी मार्केट आनी होगी। तो ये सारे मैंने एक जो है एक एरियाज में पहुंचाना होगा, मतलब ऐसा बाकी पूरे जिले में ही नहीं, 75 में जगह जगह डिसेंट। तो मैंने ये सारी चीजें लिख दी इसमें, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन और अटेम्प्ट। इतने बड़े क्वेश्चन आए जो मुझे कम आते थे, जैसे